अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के बाहर। अब ये मत कहना मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है जनता की मदद करने के लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चूज़ किया है। सबसे पहले ये बता दूँ, ताहिर की तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ये लोग फास्ट करने चाहिए। डॉक्टर्स बाहर से बुलाना है तो भी हम रेडी है, चाहे वो 40 से हो या चेन्नई से हो, कहाँ से भी हो। और आज हमारी एक पेशेंट, हमारी बहन सोमा वर्मा, उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए दुआ करना। वो कैंसर पेशेंट थी जो सलमान भाई के पास गई थी, और उसको सिर्फ 20,000 दिए गए थे। हमने उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको एडमिट करा दिया, उसका ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन वो भी आप लोगों की हेल्प मांग रही है, आपकी दुआएँ मांग रही है, प्लीज़ उसको ना भूल जाए। और यहाँ पे धीरूभाई अंबानी में हमको कॉपरेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गब्बर इज़ बैक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी पूरा कॉपरेशन चाहिए इन लोगों से। डॉक्टर्स का बिहेवियर थोड़ा ठीक करना है, यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक करनी है। प्रॉब्लम मतलब ये कि अगर आप धीरूभाई अंबानी का हॉस्पिटल देखेंगे तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे मतलब, लेकिन विजिटर्स, पेशेंट के रिश्तेदार, पेशेंट के माँ बाप, इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब बाकी सारी चीज़ें मॉल बना दिया है, लेकिन ये लोग बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, उनका सामान इस तरह से रखा जाता है। ये देखो, और ये सब बारिश में भीग रहा है, और कितने लोगों का सामान यहाँ से चोरी भी हो गया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई तू इतना पैसा चार्ज कर रहा है विजिटर्स को और पेशेंट को, और इतनी भी फैसिलिटी नहीं। तो अगेन, गेट वेल सून अंबानी। आप लोगों को भी इसके लिए स्टेटस बनाना चाहिए, मैसेजेस करनी चाहिए, और धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से जितने लोगों के रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं रहे, और जितने लोगों को प्रॉब्लम है, और जितने लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। मेरे नंबर चारों आपको पता है, हमारा अल्लाह के बंदे फाउंडेशन सबकी हेल्प करेगा। और वो लड़की के लिए ब्लड की ज़रूरत है वो मत भूल जाओ, हमारी बहन साइना जो एरोली हॉस्पिटल में है, बर्न, एशियन बर्न हॉस्पिटल, और उसके लिए ब्लड नवजीवन ब्लड बैंक में लिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाओ, उसको बहुत ज़रूरत है। और रही बात ट्यूबलाइट की, तो वो फ्यूज़ हो चुकी है तुम्हारी दुआ से, और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की जीत हुई। अभी भी अगर वो आके ताहिर से मिल लेते हैं तो शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ताहिर अभी भी उन्हें मिस कर रहा है। और हमने ताहिर को कहा अल्लाह को याद कर, लेकिन उसने कहा कि हम उसके फ़ैन रहे, और वो 14 साल का बच्चा है, 12 से 14 में उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई उसमें सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और वो समझता था कि वो खुदा है और वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका दिल बहुत टूट गया है। लेकिन हमें ऊपर वाले ने ज़रिया बनाया है, तो हम सबकी हेल्प करेंगे। और ध्रुव के पिताजी अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं, आरान की ट्रीटमेंट चल रही है उसके हार्ट की, ताहिर की ट्रीटमेंट भी चल रही है, थोड़े से सैड हो जाते बीच बीच में। और सोमा वर्मा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, जो मुझसे हुआ मैंने कर दिया है, बाकी आप लोगों की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा, विक्रोली में एक छोटा सा बच्चा जो स्विमर था, जो वहाँ पे BMC का नाला भर चुका था, और पूरे एरिया के लोग परेशान हो रहे थे। ये लोग BMC गए, पुलिस वालों को बोला, फायर ब्रिगेड को बोला, किसी ने हेल्प नहीं की। तो वो बच्चा हीरो बन के चांदरात के दिन उस नाले में उतर गया कि वो मैं साफ करूँ, कुछ करूँ, ताकि ये लोगों की कुछ भला हो, ईद के दिन इनका फ़ायदा हो। लेकिन वो बच्चा उसमें डूब के मर गया, और उसके माँ बाप, वो पूरी फैमिली जाके BMC के पास, जाके पुलिस के पास, फायर ब्रिगेड के पास मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। तो उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा है, और जिसमें वो हमारी मदद मांग रहे हैं, और हम जा रहे हैं अल्लाह के बंदे की टीम लेके विक्रोली उनके घर पे, और हमारी BMC से और विक्रोली के जितने भी नगर सेवक है, MLAs है, कॉरपोरेटर्स है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली के दुख को समझे, विक्रोली में वो जो नाला है उसे साफ करवाए, वहाँ से उसकी लाश निकालने में 24 आवर्स लगा। तो वो जो लोगों का भला करने गया, उसके घर में ईद नहीं हुई, उसके माँ बाप ने उसे खो दिया। तो ये है भाई की अदालत, सच का सामना हमेशा होगा, चाहे वो जो भी हो, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा लगता रहेगा।
दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।